चारा घोटाला मामले में आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के अलावा अन्य 31 लोगों की पटना के सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। मामला भागलपुर और बांका जिला कोषागार से साल 1994 और 1996 के बीच फर्जी रसीदों के आधार पर पशुपालन विभाग से निकासी का है। इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 1996 को एफआईआर दर्ज कर 21 अप्रैल 2003 को 44 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए थे, जिनमें से 33 पर ट्रायल जारी है। अदालत ने पहले ही आरोपित लोगों के खिलाफ डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। लालू यादव को चारा घोटाले के एक अन्य मामले में 5 साल की सजा हुई है और फिलहाल वो जमानत पर है। तो लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र की पेशी होनी है आज सीबीआई कोर्ट में। लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र सहित 31 लोगों को आज पेश होना है, पटना के सीबीआई कोर्ट में पेश होना है। मामला भागलपुर और बांका जिला कोषागार से साल 1994 और 1996 के बीच फर्जी रसीदों के आधार पर पशुपालन विभाग से निकासी का है और इस मामले में सीबीआई ने 15 मई को 1996 को एफआईआर दर्ज कर 21 अप्रैल 2003 को 44 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए थे, जिनमें से 33 पर ट्रायल अभी भी जारी है। अदालत ने पहले ही आरोपित लोगों के खिलाफ डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव आज कोर्ट में उपस्थित हुए हैं। सीबीआई कोर्ट में आप देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने आए हैं और ये जो है सीबीआई के जो अदालत है, जो न्यायाधीश है, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को आदेश दिया था। चारा घोटाले मामले में जितने भी आरोपी हैं, सब जो बच्चे हैं अभी जो लाइव हैं, उन सभी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव जो हैं वो कोर्ट में हाजिर हुए हैं। कोर्ट में प्रोड्यूस होने के बाद वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और इसके बाद जो है ये मामले की सुनवाई जो है आगे जारी रहेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो कोर्ट के बुलावे पे, कोर्ट के जो आदेश था उसका अनुपालन करते हुए न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना।